उस महाभारत की है जी जी, जहां अहंकार की, डिक्टेटरशिप की, डिक्टेटरशिप की लोकतंत्र से राहुल गांधी के पूर्वजों ने श्री कृष्ण से प्रेरणा लेके आजादी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई ने कई हीरो दिए। सरदार पटेल जिन्होंने राजे राणे खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की, संपूर्ण कुलीन तंत्र में रानी का बेटा राजा, राजतंत्र में जिसका बल वो राजा, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश को आजादी देके फ्रीडम एट मिडनाइट पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच वो दी थी। और आज उन्हीं का प्रपोत झंडा बरदार बन के लोकतंत्र का एक डिक्टेटरशिप से लड़ाई लड़ रहा है। जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार मुंबई में गिराई जाती है और उनका चोन चिन्ह छीन लिया जाता है तो क्या वो लोकतंत्र के हक में है? बाबा साहब अंबेडकर ने देश को आजाद होने के 3 साल बाद संविधान की रचना रची थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, हर देश के वर्ग को उसमें जगह मिली थी, हर सूबे को जगह मिली थी और फिर इंडियन सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। रिपब्लिक का मतलब लोगों के अख्तियार, लोगों की ताकत लोगों के वास्ते, और आज लोगों की ताकत एक तानाशाह डिक्टेटरशिप के वास्ते है। लोगों की ताकत सरकारें गिराने में, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराने में लगाई गई। लोगों की ताकत का फायदा उठा के बच्चियों को जलील किया गया जंतर मंतर पे, वो बच्चियां जिनका बल गौरवपूर्ण था पूरे देश के लिए, जिन्होंने पहलवानी में मेडल जीते, उन्हें जलील करके उस जगह से हटाया गया बगैर किसी वायलेंस के, उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया। आज बल जो हर इंसान ड्रॉ करता है, मेरा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी भी है और एक पॉलिटिशियन के हो नाते मेरा ग्रंथ संविधान है जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने की। आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उन बच्चियों को वहां उठाया गया। फिर मणिपुर में आप सोच के देखिए, जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए। नंगा करके अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। और मैं आपको बता दूं, सत्य की अगर कोई आवाज़ है जो लोकतंत्र की बेड़ियों को काट रही है, जो निर्भय होकर लड़ रही है, जो एक योद्धा बन के, एक योगी, एक कर्म योगी बन के सत्य की आवाज़ से झूठ की बुनियाद को हिला रही है, लोगों के अख्तियार लोगों को देने के लिए और किसी निजी फायदे के लिए नहीं, वो राहुल गांधी है। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है, ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, देश की आज़ादी की है। और मैं कह दूं, राहुल गांधी को मुजरिम नहीं समझना, बड़ा अफसोस होता है कि अदालत के अदब से वो वहाँ तशरीफ लाए थे, अरे पलट देते हैं मौजे तूफान अपनी जुर्रत से कि उसने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि सत्य में जयते होगा, सत्य की जीत होगी। और अगर सच्चा देशभक्त हूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि गवर्नरों से, एलजीओं से इस देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता, गवर्नर चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स थोप नहीं सकता। ये आज हो रहा है इस देश में, हाहाकार मचा हुआ है, मानवीय अधिकार खो चुके हैं। और अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर आदमी ये कह रहा है
यार होते ना ना हां जी, ये देश नहीं रहेगा सर, इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी स्वाधीन नहीं रहेगा, इसलिए प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। कांग्रेस मैं जवाब दूंगा इस पे पूरी तरह से। देखिए ये गठबंधन, ये अलायंस बीजेपी को भयभीत कर रही है, वोट परसेंटेज के साथ साथ ताकत, जैसे पांच नदियों की ताकत इकट्ठी हो जाए तो किस जोशो खरोश से बहती हैं, तीन नदियां त्रिवेणी में किस तरह से पानी बहता है, इस तरह से भय का कारण यह है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़े हुए हैं सब। ये किसी पार्टी की अलायंस नहीं है, ये संविधान की अस्मिता को, संविधान की आन बान शान को स्थापित करने के लिए एक अलायंस हुई है। जो लोग अलायंस का नाम देते हैं वो भूल जाएं, ये अलायंस नहीं है, ये विचारधारा भी नहीं रहेगी, पार्टियां भी नहीं रहेंगी अगर यहाँ डिक्टेटरशिप कायम हो गई। जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप हुई है, जहाँ जहाँ तानाशाह राज हुआ है, चाहे वो हिटलर का हो, मुसोलिनी का हो, हुसैन का हो, किसी का हो, मैं कहता हूँ वहीं वहीं भगवान ने किसी अपने बंदे के जरिए उस डिक्टेटरशिप को मिटाया है। और डिक्टेटरशिप जब भी आती है लोगों में असंतोष बढ़ता है और क्रांति आती है, और उस क्रांति, और इस क्रांति का नाम है इंडिया। इंडिया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, झंडा बरदार बनने के लिए, पहरेदार संविधान के बनने के लिए, क्योंकि अगर संविधान न रहा तो मानवीय अधिकार नहीं रहेंगे। और ये जो एजेंसीज हैं, ईडी, इलेक्शन कमीशन, जब जब कोई ममता बनर्जी अपने सूबे में ये कहती है कि ईवीएम यूज हुए हैं, तब तक शंका उठती है। जब जब इटली, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और बड़ी बड़ी ताकतें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ईवीएम्स को समंदर में फेंकते हैं और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हैक हो सकती है, हमें वापस बैलेट पे जाना होगा, तब तानाशाह लोगों का खून खौलता है और वो गेम खेलते हैं। गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, तूफान जब झूम के उठेगा तिनकों से न टाला जाएगा, और उस तूफान का नाम है राहुल गांधी, उस तूफान का नाम है खड़गे साहब द्वारा एक ऐसी निर्मित इंडिया जिसको देख के पसीने छूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के, क्योंकि कुर्सी डगमगा रही है। भय चारों तरफ जो बांटते हैं, लोकतंत्र का डंडा तंत्र बनाने वाले, लोकतंत्र का हुंडा तंत्र बनाने वाले, सत्ता पैसों से हथियाने वाले आज घबरा गए। मैं कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी का लीडर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुझे कहेंगे कि देश हित में संविधान के साथ खड़े हो जाओ, तो यही मेरे पिता ने कहा था, यही देश को आजाद करने वालों ने कहा था, यही लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह ने लड़ी थी। अगर लोकतंत्र ना रहा गुरु तो तुम कहां रहोगे, तुम्हारे अधिकार कहां रहेंगे? अगर संविधान से ड्रॉ करने वाली एजेंसी ईवीएम्स की बात उठती है, इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया राहुल गांधी को डिबेट के मामले में, ऐसा होता है क्या? चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, कोर्ट ने किया। कानून भी कभी कभी सोता है लेकिन मरता नहीं, कानून सोता है मरता नहीं, लेकिन कानून के जागने का वक्त भी आ गया। मैं कहता हूँ ये किसी अकेली विचारधारा रहेगी नहीं, जब संविधान ना रहा तो विचारधारा कहाँ से, जब लोकतंत्र ना रहा और एक राजतंत्र की स्थापना हो गई, डंडा तंत्र की स्थापना हो गई, गुंडा तंत्र की स्थापना हो गई, तो लोगों के अधिकार, लोगों के अख्तियार कहाँ हैं? तो ये लोगों के अख्तियार के लिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और झंडा बरदार राहुल गांधी। मैं तुहानू कह रहा कि भाई हरेक का कोई बॉस होंगे, हाई कमांड जो तय करेगी
सोच समझ के तय करेगी और हाई कमांड अगर कॉन्स्टिट्यूशन नु बचान दे लई सुरील जाखड़ वालों कह गया कि कांग्रेस समझौते करके आम आदमी पार्टी अपनी साख नहीं बचा सकती है ए उन्होंने जवाब देने का समय नहीं ए अपनी गल रखने का समय है भटका ना मित्र प्यारे जे अकाली दल नु मैं इन्ना ही कहना जे कल नु कोई कहे भी थोड़ा जड़ा लोगो है उही खोलिया हुण तुसी अकाली दल ही नहीं रहे जिवें शिवसेना नु कहा सी ते किसे नाल भी हो जूगा ना ये किसी के साथ भी हो सकता है तो मैं कहता हूँ जितने इकट्ठे हो जाएं जितने पहरेदार बन जाएं संविधान के हमारे ग्रंथ के उतने अच्छे सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये उसके लिए लड़ाई है संविधान के लिए लड़ाई है लोगों की ताकत लोगों तक कहाँ पहुँच रही है लोगों की ताकत चंद लोगों में सीमित रह गई है नौकरियाँ कहाँ गई बैंक लुट गए देश पे सबसे ज़्यादा कर्जा हो गया कोई बात करता है अरे भाई हिंदुस्तान में सब है सब ये सेकुलर मुल्क है था और रहेगा ये उसी सेकुलर देश की अस्मिता एग्जिस्टेंस की लड़ाई मेरी बात सुनो नहीं पंजाब जो बात मैं कहता हूँ पार्टी से ऊपर उठ के पार्टी से ऊपर उठ के एक बात कहता हूँ जो चोर है ठोको जो चोर है विजिलेंस करो क्या इतराज है भाई क्या इतराज है उसकी प्रॉपर्टियां सीज करो अगर आमदनी नहीं तो प्रॉपर्टी कहां से इसलिए इसमें किसी को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए लेकिन अगर किसी ने पंजाब का पैसा मारा है तो इस मामले में तो मैं भगवान मान साहब के पास सवाल करता हूँ 270 हो गए जवाब नहीं आया बताओ मान साहब ये रेत माफिया कौन चला रहा भाई हैं ये दारू माफिया कौन चला रहा भाई हैं वो माफिया वो जो केबल वाला था गुरु ठंडे पड़ गए हैं क्योंकि यही GST के बाहर है यही शराब पेट्रोल डीजल 3 रुपये बढ़ा दिए उधर से फ्री बिजली एक जेब में डालो दूसरी से निकालो ठीक है रेत माफिया 15,000 की ट्राली जड़ी 3,000 की मिलती थी ठीक है कि नहीं बाढ़ खतरा आने से पहले टाला जा सकता है बाद में आप अपने पजामे गीले करके दिखाते रहो उससे कोई फायदा नहीं होगा एक बात याद रखना सेम नालों की क्लीनिंग होनी चाहिए थी ड्रेनेज जितनी है उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए थी फ्लड कभी नहीं आता अगर चो साफ होते फ्लड कभी नहीं आता अगर एक फंड आता है सेंटर की तरफ से उसका इस्तेमाल किया जाता कैलामिटी फंड आता है कोई कितने पैसे लगे उसके हाँ जब फ्लड आ जाएगा हर बंदा घुसेगा किश्ती में अब फोटो मान साहब की भी फोटो शूट हो रही थी जाखड़ साहब ने डाली है मुझे अच्छी लगी किश्ती नहीं डगमगाई सरकार डगमगा